कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग ओपनली एक एजेंडा लेकर आए हैं, ओपनली, इस लिहाज से मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के एजेंडे जो हैं वो छुपे हुए थे, तह दर्ता छुपे हुए थे। तो इन लोगों का एजेंडा खुला है, इन लोगों का एजेंडा ये है कि हमें अगर इस एरिया को मिसमार करना है तो मिसमार करना है, यहाँ के लोगों को जलील करना है तो जलील करना है, और यहाँ के लोगों को ये एहसास दिलाना है कि आप कुछ नहीं हैं, आपकी हैसियत कुछ नहीं है, आप मस ले जा सकते हैं, तो ये मसल देंगे, काम वही होगा, वही काम चल रहा है। तो उस मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ अपनी कौम से कि हमें मुस्तैद रहना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, हमें झुकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमने जाने गंवाई है, जाने दी है, हमारे नौजवानों ने, कितने हजारों नौजवानों ने जान दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वायलेंस करिए, जंग लड़िए और बंदूक उठाइए और ये, कतर नहीं। मैं यही दरख्वास्त करता हूँ अपनी नौजवान कौम से कि आप किसी सूरत में भी वायलेंस से परहेज़ करें, लेकिन आप अपने एजमात को मत तोड़ें। आप ये मत बताएं कि हम इस वक्त किसी दबाव में हैं या कोई जबर हम पे जारी है तो इसलिए हम लेट जाते हैं, सजदा करेंगे। सजदा तो नहीं करें, कश्मीरी सजदा करने वाले नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं। पूरी पार्टी का क्या है मैनिफेस्टो और क्या नज़रिया है वो तो पब्लिश्ड है, सबको मालूम है, लेकिन कश्मीर के संदर्भ में उनका क्या ख्याल है और वो क्या करना चाहते हैं तो वो एक हौसला कुन बात। यहाँ बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी लाहक हुई हैं कि जिनकी तरफ अगर तवज्जो न दी जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कौम को। मिसाल के तौर पर हमारी नौजवान कौम जो है, नई नस्ल जो है, उनकी बेकारी और उनकी लाचारी जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान ला सकता है मुस्तकबल में, जिसको हम थाम नहीं सकेंगे। तो उसकी तरफ जो परेशानी है उसको इलाज करने के लिए भारत में, मुल्क में हमारे साथ कोई सेकुलर फोर्स होना चाहिए जो हमारी बात को आगे बढ़ाए और हमारे जो मुतालबात हैं, मसाइल हैं, उनकी मदद करे। तो उसमें मुझे लगता है कि एनसीपी जो है वो एक मुनासिब पार्टी है, जिसके क्रेडेंशियल्स सेकुलर हैं और जो डेमोक्रेटिक सेटअप पर भरोसा रखती है और जो चाहती है कि जो लोग डाउन ट्रॉडन हैं, पीछे जो पिछड़ गए हैं, उनकी कैसे मदद की जाए। उसमें वहाँ के लीडरों ने, इसके लीडरों ने, पार्टी के लीडरों ने मुझे ये विश्वास दिलाया है कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे और हर एक पॉजिटिव कदम के लिए हमारी मदद करेंगे। स्पेसशिप में आसमान की बुलंदियों पर है और आसमान की बुलंदियों से अचानक अगर कोई गिर जाए, गिर के नीचे कीचड़ में धंस जाए, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, वही पोजीशन इस वक्त कश्मीर की है, हमारी पोजीशन है। जो अनसर्टेनिटी पाई जा रही है लोगों में या पॉलिटिकल पार्टीज में, इलेक्शन नहीं हो रहे पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं यूटी में, क्योंकि जनरेटरी सेंटर का रूल है, आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को और आगे जाके कितना ये पैदा जो खला है लोगों के दर में? तो अर्ज किए ना, हम कीचड़ में गिर गए हैं और धंस गए हैं इसमें, और जो लोग पीछे दीवारों पे खड़े हैं, जो तमाशा देख रहे हैं हमारा, उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं, कोई शफकत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि हम इस कीचड़ से निकल के इंसानों की तरह जिए। जब ये सूरत हाल हो तो तब जो हालत बननी चाहिए, जो इंसान इस कीचड़ में लथपथ ज़िंदा रहने की कोशिश में होंगे, उनको कितनी स्ट्रगल करनी है और उनको कितनी हिम्मत कायम रखनी है। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि इस हालत में, इस ख़राब हालत में, मुझे एनसीपी के लीडरों ने यह एश्योरेंस दी है कि जहाँ तक हो सके हिंदुस्तान की, भारत के आईन के दायरे के अंदर जो कुछ वो हमारे लिए कर सकते हैं वो करेंगे। तो हम भी जदोजहद में जुटे हैं और जुटे रहेंगे और आवाम से भी अपील करेंगे, नौजवानों से अपील करेंगे कि खुदा रा आप नाराज़गी में और तशद्दुद के जहन में ना आएँ और ऐसा न करें कि जिससे हमारा मुस्तकबल और ज़्यादा तारीख हो, बल्कि आप एक मुस्बत और एक पॉजिटिव रोल शुरू करें कि हम किस तरह से इस
दलदल से बाहर निकल आएंगे। और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूँगा कि नाराज़गी के पेश नज़र वो अपने आप को न मारें, वो खुदकशी करने से परहेज़ करें। इंशाल्लाह हम भी, ये जनरेशन भी कामयाब निकल आएगी इस जद्दोजहद से, बशर्ते कि वो अपनी कुव्वत को कायम रखें और अपने हौसले को कायम रखें और अपने एतबाद को कायम रखें और खुदा पे भरोसा रखें। गोल्डन पीरियड माना जाता है जब अटल बिहारी वाजपेयी की दौर हुकूमत में जिन्होंने कश्मीरियत इंसानियत में दायरे में होके बात करी। आपने उन दिनों मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, आपने उनके साथ भी कई मुलाकातें की हैं। आपको नहीं लगता है जो आज मौजूदा बीजेपी और उस बीजेपी में आप काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है? अरे भाई, मैंने कहा आसमान और ज़मीन में जितना फ़र्क होता है इतना फ़र्क हो चुका है। सवाल ये है कि वाजपेयी, मैं आपको दयानतदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, जिस वक्त मैं पार्लियामेंट में गया था और वाजपेयी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना था तो मेरे दिल में एक हसद सा था उनके लिए, मेरे दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी बल्कि नफ़रत थी, बल्कि मैं ये समझता था कि ये लोग जो हैं ये सख्त जान पॉलिसियों पर अमल करते हैं और यहाँ सेग्रीगेशन करते हैं ग्रुप्स में, मज़हबों में, माइनॉरिटीज़ के साथ वगैरह। लेकिन जब मैं वाजपेयी के करीब आया तो मैंने देख लिया, मुझे दयानतदारी का तकाजा है कि मुझे ये बरमला इतराफ़ करना चाहिए कि वाजपेयी जैसा ये स्टेट्समैन और स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंट शख्स जो है मुझे हिंदुस्तान की सियासत में कोई नज़र नहीं आया। कि मोहम्मद सईद ने मरते दम तक वही किया वो बोल रहे थे कि जो वाजपेयी का जो फार्मूला, इवन महबूबा मुफ्ती, इवन पीडीपी का एजेंडा यही था। आपको नहीं लगता है कि उसको अपनाने की ज़रूरत है जिस तरह उन्होंने आप कश्मीर को अपनाया? मैं तो पीडीपी के बारे में बात नहीं करूंगा, और मरहूम मोहम्मद सईद जो अपने मुफ्ती साहब हैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी मुझे मेरे दिल में एहतराम है। जब मिलते थे तो बहुत शफ़क़त से मिलते थे, इख्तलाफात थे, डिफरेंट नज़रिए, वाजपेयी की बात कर रहा हूं, हमारे नज़रिए डिफरेंट थे लेकिन वो मिलते थे मोहब्बत से, शफ़क़त से। इसलिए मैं इस वक्त उनके बारे में नहीं कहूँगा मेरे ख्यालात क्या हैं, और पीडीपी के रोल के बारे में भी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे एतराज़ात, बहुत सारे मसाइल जहन में हैं जो अगर मैं इस वक्त हाईलाइट करूँ तो एक तामीरी कदम जो हम उठाना चाहते हैं उसके बजाय हम टकराव में आ जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो वाजपेयी के साथ उनका रोल और फिर उनके रोल का क्या रोल और उस रोल का क्या नतीजा वो लोगों के सामने है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। वैसे भी सीनियर लीडर, आपकी क्या सजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है ताकि यहाँ पर जो है हालात, जो अनसर्टेनिटी है ख़त्म हो जाए और युवाओं में जो रोष है, अवाम में जो रोष होती है? देखिए भाई, मैं ये कहता कि खुदा के बंदो, नीयत को ठीक कर दो और इंसानों को संवारने की बात करो और इंसानियत की हिफाजत करो, लेकिन कोई करेगा नहीं, क्योंकि जिन लोगों का एजेंडा के आस पैदा करना है, जिन लोगों का एजेंडा ये है कि वो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, आपको छोटा पेश करना चाहते हैं, आपको आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप कुछ नहीं हैं, आप मसले जा सकते हैं, हम आपको ईडी के नीचे रगड़ सकते हैं, तो फिर उन लोगों से मैं कैसे कहूँगा कि उनका रोल क्या होना चाहिए, वो क्या, उनको क्या करना चाहिए? शाहीन साहब, चूँकि आपने बहुत जो है पॉलिटिक्स में सफ़र किया है, हम कब देखेंगे कि आखिर कश्मीर का जो कार्ड खेला जाता है पूरे वर्ल्ड में, हम देखें अमेरिका की बात, पाकिस्तान की बात, चीन, चाइना, रशिया, इंडिया, हर बार जो है एक्सपेरिमेंट कश्मीर में किया जाता है, हर बार जो सियासत हमने देखी कश्मीर, दिल्ली में इलेक्शन हो तो कश्मीर के पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में इलेक्शन तो कश्मीर, ये कब खत्म हो जाएगा? ये ख़त्म नहीं होगा, फिलहाल ये ख़त्म नहीं होगा, बहुत देर तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर एक लेबोरेटरी बनी हुई है। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कब कहा था कि जितनी देर शेख अब्दुल्ला जिंदा है कश्मीर को मैं लेबॉरेटरी नहीं बनने दूंगा, लेकिन अब वो चल बसे, उसके बाद ये लेबॉरेटरी बनी है। टॉम डिक एंड हैरी को ला के आप चीफ मिनिस्टर बनने का वादा देते हैं और वो भी खंभे पे चढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं,
एक एक चार चार पांच पांच सात सात लोगों के ग्रुप को आप हवा भर देते हैं कि भाई आप जाओ कश्मीर के हालात ठीक करो और आप लोगों को हम इख्तदार संभाल लेंगे। ये किस लिए है? ये इसलिए है कि हमारे टुकड़े बिखरे से बिखर जाएं और ज़्यादा बिखर जाएं, टूटी से टूटी हो जाए और टूटी से फूटी हो जाए। ये चल रहा है कैसा? अब इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किससे मुतालबा करेंगे? हमें सब्र से, तहमुल से, अकल से काम करना है और चलना है आगे। और इस मुल्क के अंदर जितने सेकुलर फोर्सेस हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मुतहिद होकर हमारी मदद करें और हमें इस दलदल से निकाल दें। 370 के बाद जो बड़ी सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई जो है चाइना और जो है हिंदुस्तान आमने सामने स्टैंड अप चल रहा है अभी, तो 370 पे ही हुआ। आपको नहीं लगता है वो भी स्टेक होल्डर है आज की डेट में? वो भी स्टेक होल्डर हमने खुद बना दिया। बड़ी बदकिस्मती है मेरे भाई, एक बड़ी बदकिस्मती। चाइना का जोरों में आना, हमलावर होना वगैरह वगैरह कोई अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। हमने कभी ये बात नहीं मानी है कि अगर हमें अंदर इख्तलाफ है अपने मुल्क के अंदर तो उसके मुकाबले में फिर हम चाइना को तरजीह देंगे, ये नहीं हो सकता। और आपको याद होना चाहिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ सुनने वालों को, कि जिस वक्त शेख महमूद अब्दुल्ला जेल में थे और बरसा बरस से जेल में थे और उनको नेहरू जी ने ही गिरफ्तार करवाया था, और 62 का हमला जो चाइना ने किया, जेल से शेख महमूद अब्दुल्ला ने एक तफसीली खत लिखा और पंडित नेहरू को कहा कि हम आपके साथ हैं इस संकट में और आपके साथ खड़े रहेंगे, हम दूसरे मुल्क को यहाँ सिर पे चढ़ने नहीं देंगे। तो हमारा स्टैंड जो है वही होना चाहिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड अर्लियर था वही स्टैंड हमारा आज भी होगा। ये अलग बात है कि हमें किसी के साथ इख्तलाफ है, किसी के साथ हमें अंदर सवाल और जवाब है, पार्टियों के साथ और उनके तरीकों के साथ हमें इत्तेफाक नहीं। अगर उन्होंने जबर से भी काम लिया लेकिन उसके बावजूद उसकी सज़ा हम मुल्क की आइडेंटिटी को नहीं दे सकते हैं, मुल्क की यकजहती को नहीं दे सकते हैं। हमें बहरहाल खड़ा रहना है मुल्क के तहफ़ के लिए, हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत। मसाइल हैं, हम मसाइल के बीच में हैं, हमारी सरहदों पे दुश्मन खड़ा है। ये नहीं है कि ठीक है आपने इसको टूटी फूटी कर दी तो उसका मतलब ये होगा कि लद्दाख हमसे अलग हो, इसराइल महाराजा बहादुर की स्टेट से अलग हुआ, लेकिन वो दिलों से हमारे साथ अलग नहीं हुए हैं। हमारे दिल उनके साथ जुड़े हुए और उनके दिल हमारे साथ जुड़े हुए। हम ये नहीं कर सकते अगर लद्दाख की बॉर्डर पे उनके सिर पे कोई तूफान खड़ा है तो हम उससे अलग हैं या हम उससे खामोश हैं या हम उससे बेखबर हैं, नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि आप मुल्की मसाइल में इसके साथ चाइना के साथ फैसले में हमें भी शरीक कर दीजिए, वो नहीं कर सकते। मैं तो कम अज़ कम ये नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने जिस वक्त ये मुसौदा इलाक हुआ है तीन चीज़ें छोड़ दी है हमने, कम्युनिकेशन छोड़ा है, डिफेंस छोड़ा है, एक्सटर्नल अफेयर्स छोड़े। एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो सब हमारी नज़र में मरकजी सरकार की जिम्मेदारी है, वो देखें और वो डिफेंस को देखें, ये उनकी जिम्मेदारी है। और हम हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुस्तैदी के साथ मुतहिद होकर खड़े रहें मुल्क के मसाइल के पीछे। आप कैसे देखते हैं एक वक्त में जम्मू कश्मीर जो मुल्क था उसके बाद स्टेट बनी जो 47 के बाद, आज यूटी में, तो यूटी में भी दो तीन हिस्सों में है, एक चार हिस्सों में, एक तो अधिकतर चाइना साइड है, दूसरा तो पाकिस्तान साइड, तीसरा तो जम्मू लद्दाख, तो जम्मू अलग। अल्लाह बचाए भाई, अब ये कहीं तहसीलों पे न बट जाए। ये तहसील जो है या कंस्टिट्यूएंसीज हैं इसके अंदर ये टूटी टूटी करके टूटी ही ना जाए, ये भी खतरा है। बहुत सारे लोगों के मिजाज में ऐसी बेहुदा बातें भी हैं, तो चूंकि एक बेहुदा हरकत हो गई है तो मैं समझता हूँ आबे के सर गुजश यक नीजों के हज़ार, जो सर से ऊपर पानी गुजर जाए अगर इतना सा भी चढ़ जाए तो आदमी को मार सकता है, उसके बाद दो ढाई फुट तीन फुट भी चढ़े तो तब भी वही होगा। इसलिए मुझे इसकी परेशानी नहीं है, मुझे ये पता है कि जिस सिचुएशन में हम फंसे हैं इसमें हम तवक्कु नहीं कर सकते हैं, अहले जबर से हम ये तवक्कु नहीं कर सकते जो हमारे किसी मसाइल को मसले को देख लेंगे।